Hey guys, good morning and welcome back to my channel Sonali's World. कैसे हैं आप सब? I hope everyone is fine and I'm also doing fine. तो आज मैं सज धज के बैठी हूँ, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक शादी में. तो मेरी मम्मी की कजन सिस्टर है तो उनके बेटे की शादी है, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था इसलिए हम लोग वहां जा रहे हैं अभी. और आज मैंने तैयार होने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज जल्दी जल्दी जाना था मतलब अभी. तो मैंने सोचा कि एक बार रेडी हो जाती हूँ फिर ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ. तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर कमेंट करके बताना. आई एम वेयरिंग अ गाउन, और मैंने गाउन पहना हुआ है. और हम वहां पे जाके अभी देखती हूँ मैं, मतलब नई जगह है मेरे लिए भी, कभी गई नहीं हूं मैं वहां पर भी, तो उनसे सबसे मिलूंगी. एंड मेरी मासियां भी आ रही हैं. तो और आज एक चीज बताती हूँ, मैंने और मम्मी ने आज ट्विनिंग करी है. यस मम्मी एक मिनट आना. सो गाइज लेट मी शो यू, आज जिस कलर का मैंने गाउन पहना है मम्मी ने भी उसी कलर का सूट पहना है. और हमने सोचा नहीं था, ऐसे प्लान नहीं किया था बिल्कुल भी कि एक जैसा ही पहनेंगे, बट एक जैसा ही हो गया. अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ. सो ये रही मम्मी. मम्मी का सूट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये. और कलर ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाला वाइन कलर जो होता है. और मम्मी के ऊपर लग भी बहुत ज्यादा सुंदर है. सो कमेंट करके मुझे ये बताना. तो गाइज मुझे कमेंट करके ये बताना कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है. मुझे पता है कमेंट आएंगे तो मम्मी के ही, बट मैं भी अच्छी लग रही हूँ आई थिंक. नहीं अच्छी लग रही है तुम. चलो मेरे से तो अच्छी है. नहीं नहीं भाई वो तो नहीं है, वो तो आप भी सुंदर हो. चलो अभी चलते हैं क्योंकि डैडी पहुंच चुके हैं कार के पास और हमें पड़ेगी डांट जल्दी जल्दी से. तो चलो. तो मैं अपना ये वाला गाउन पहन रही हूँ. कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके जरूर. सो अभी चलते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग सुपर लेट. तो गाइज मैं कार में बैठ चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कांगड़ा में हिमाचली ट्रेडिशनल वेडिंग्स कैसे की जाती हैं. सो मेरे साथ ज़रूर एंड तक व्लॉग में बने रहिए. जब कहीं जाने की जल्दी होती है ना तो फिर उतना ही लेट होते हैं. और यहाँ पर लग चुका है खूब सारा जाम, पता नहीं कितनी देर लगेगी अब. सो गाइज वी रीच द डेस्टिनेशन एंड मेरी ये जो पीछे अभी है, मेरी मासियां हैं दोनों, तो ये साथ में जा रहे हैं. एंड गाइज यहाँ पर चल रहा है हवन जिसको बोलते हैं सांध. और यहाँ पर सभी बैठकर सबसे पहले हवन होता है एंड देन इससे पहले भी काफ़ी रिचुअल्स हो चुके हैं. जैसे पिछले दिन जो होती है वो मैने होते हैं जिसमें मामा वगैरह आते हैं एंड डीजे वगैरह होता है उस दिन. और हम लोग गए थे दूसरे दिन जिस दिन शादी थी, मतलब बारात जानी थी. तो ये यहाँ पर हो रहे हैं हवन और उसके बाद होता है तेल की रस्म. तो ये रहा तेल चढ़ाना जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है. तो ये वाली रस्म वो है और वो रहे मेरे मम्मी मासियाँ दोनों. तो यहाँ के ना रिचुअल्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, मतलब बाहर हर एक स्टेट में ना अलग अलग रिचुअल्स होते हैं. तो यहाँ हमारे यहाँ के भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिचुअल्स होते हैं, सो ज़रूर देखिए. एंड ये वाली जो रस्म होती है इसको जनेऊ बोलते हैं. यस जनेऊ भी बोलते हैं और इसमें अग्र चढ़ाया जाता है. तो ये इस टाइप के ना बाबा टाइप के बनते हैं. ये ड्रेस होता है, इसको बनाया जाता है, मामा वगैरह देते हैं ये ड्रेस. एंड ये रही यहाँ पर हमारे जो हिमाचली बैंड बाजे वाले होते हैं, तो थोड़ा सा अब वो भी एंजॉय कीजिए. We'll be right back.
देन इसके बाद हम लोग लंच करने चले गए थे धाम खाने। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं इसको पत्तल बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और इसमें ही खाना परोसा जाता है जो लंच होता है, धाम होती है। एंड ये मेन ट्रेडिशनल होते हैं, और अब भी तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, लोग प्लेट्स वगैरह यूज़ करने लग पड़े हैं, बट जो मेन चीज़ है जो पहले से चलता आ रहा है वो यही होते हैं। एंड ये नेचुरल होते हैं तो इसमें बहुत ही सही रहता है खाना, बहुत, सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, मतलब बहुत नेचुरल पत्ते हैं ये। एंड अभी ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जमाकड़ा, तो ये हमारे साइड खेला जाता है। एंड ये खेला जाता है जो भी मतलब लड़का या फिर जिस लड़की की शादी है, जिसकी भी शादी होती है, उसके मामा वाली साइड और ताई चाची जो होती हैं उनके बीच में खेला जाता है। एंड एक जमाकड़ा एक कुछ चीज़ होती है, वो दोनों को छीननी होती है, मतलब दोनों साइड में से छीननी पड़ती है। तो जिस जो भी साइड जीत जाती है उसकी वाह वाही हो जाती है। तो अभी आप लोग ये इन्जॉय कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर दूल्हा भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अभी सेरा चढ़ाया जा रहा है, तो ये जो सेरा होता है हमारे यहाँ पर होता है मामा साइड से। तो बस सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर फोटो चल रहा है अभी, तो और ये सेरा उसको दूल्हे को पहनाया जाएगा अभी। तो मैंने यहाँ पे ना छोटी छोटी क्लिप सारी चीज़ों की ले ली थी ताकि मैं एक साथ ऐड कर दूँ, और इसमें मैं आप लोगों को बताती भी जाऊँ कि हो क्या रहा है। एंड ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये होते हैं हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं एंड थोड़ी सी नींद भी आ जाती है सुन के, बट ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं। एंड जब कुछ भी फंक्शन होता है तो ये ऐसे ऐसे गाए जाते हैं, और ये शादी वाले सॉन्ग्स होते हैं। लो जी, दूल्हा भी रेडी है। एंड यहाँ पर बारात जाने से पहले तमोल लगाया जाता है और हार वगैरह पहनाए जाते हैं। सो यहीं पर, यहाँ पर वही सब चलेगा। एंड यहाँ पर लेडीज़ वगैरह सभी बैठे हुए हैं, दूल्हे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि तिलक वगैरह लगाया जाता है, एंड जो भी शगन होता है, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं या फिर जो भी शगन होता है वो यहाँ पर दिया जाता है दूल्हे को, और वो साइड में रख देते हैं। यहाँ पर बारात रेडी हो चुकी है जाने के लिए। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, जो दूल्हा होता है जैसे घर से और जहाँ पर उसकी गाड़ी होती है दूल्हे की, तो वहाँ तक वो दूल्हा डोली में जाता है। सो वो अभी आप देख रहे हैं, तो दूल्हा डोली में जाता है, ऐसे पैदल नहीं जाया जाता है। तो इस तरीके से डोली होती है यहाँ पर, ये दूल्हे की डोली है, तो इसमें जा रहा है अभी।
एंड ये साथ में एक लड़का भी बिठाया जाता है छोटा सा। एंड यहाँ पर इनकी कार थी तो ये यहाँ पर उतर चुके हैं अभी, और देन इसके बाद ये अपनी कार से ही जाएंगे। तो अभी हम घर वापस जा रहे थे और हमें बीच में ये गेहूं के खेत मिले। आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, एकदम गोल्डन हो चुके हैं, पूरे पक चुके हैं इस टाइम पे। हाय गाइस, सो फाइनली शादी हो गई, मतलब शादी तो नहीं हुई, बारात चली गई है और हम लोग अपने घर अब भी वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि बारात में चलो आप लोग भी, लेकिन हमारा मतलब हम लोग नहीं गए, हमारा अभी घर में भी कुछ काम चल रहा है तो वहां पे भी हमें देखना है, इसलिए हम लोग घर वहां पे बारात में नहीं गए और अभी हम घर ही जा रहे हैं। और शाम हो गई है घर जाते जाते, तो शाम हो गई है वहीं पर ही, तो अब बस जल्दी जल्दी जाएंगे। और काफी मजा किया हमारे यहाँ पर, तो हिमाचली ट्रेडिशनल मैरिज जो होती है कुछ इस तरीके से मनाई जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी है? बहुत ही डिफरेंट होती है, हिमाचल में भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हमारे कांगड़ा साइड इस तरीके से करी जाती है वेडिंग। तो आप आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।